नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कंगना रानावत इस चुनाव में एक अलग ही स्टार बन के उभरी हैं। कंगना रानावत फिल्मी कलाकार हैं, फिल्मी कलाकार के रूप में खबरों में बना रहना, चर्चा में बना रहना उन्होंने सीखा होगा, लेकिन फिल्मों और असल जिंदगी में एक फर्क होता है। फिल्मों में जो भी डायलॉग आप सुनते हैं उनको लिखता कोई और है, डायरेक्ट कोई और करता है, शूट होता है, कट होता है, रीटेक होता है, टेक होता है। हो सकता है कई बार जो डायलॉग आपके पास पहुंच रहा हो वो कई कई रीटेक के बाद पहुंच रहा हो, यानी बोलने में कई कई बार गलती हो और बाद में उसको सही करके पहुंचाया जाए। दरअसल मंडी लोकसभा से जब उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंडी सीट से चुनाव लड़ने को कहा, तभी से मंडी सीट भी चर्चा में है और कंगना रानावत भी लगातार अपने बयानों से चर्चा में है। जिस तरह के बयान वो देती हैं, आप जानते हैं कि उर्मिला मातोंडकर जैसी महिला को, उर्मिला मातोंडकर जैसी सीनियर एक्ट्रेस को वो क्या क्या कह चुकी हैं, आप ये सब जानते हैं। अब चक्कर यह है कि मंडी लोकसभा के लिए जब कंगना रानावत को चुना गया तो उस समय माहौल यह था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंत्रिमंडल में बगावत जैसी स्थिति थी, कई सारे विधायक छोड़कर चले गए थे और उन विधायकों के जाने के बाद उनको पार्टी से निकाला गया, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और ऐसा लग रहा था कि मंडी का जो राज परिवार है, वीरभद्र सिंह जो थे, वहां कई बार मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे, उनका जो परिवार है, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह जो इस समय सांसद हैं और उनके बेटे विक्रमादित्य, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस से नाराज हैं। और एक बीच में तो ऐसी खबरें चली थीं जैसे विक्रमादित्य पार्टी छोड़कर जाने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को लगा होगा कि ये केक वॉक हो जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा, स्टार हैं, वहीं की रहने वाली हैं और कांग्रेस के अंदर फूट पड़ी हुई है तो ये चुनाव आसानी से वो जीत जाएंगी। मंडी लोकसभा के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि ये बड़ी शानदार सीट रही है, बड़ी प्रतिष्ठित सीट रही है। राजकुमारी अमृत कौर के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिन्होंने एम्स बनवाया था, वो यहां से सांसद रही हैं। वीरभद्र सिंह तो मैंने बताया ही आपको, सांसद रहे हैं। सुखराम सांसद रहे हैं। सुखराम के ऊपर करप्शन का आरोप लगा था जब वो टेलीकॉम मिनिस्टर थे, कहा जाता है कि उनके गद्दे में से पैसे निकले थे और भारतीय जनता पार्टी ने कई दिनों तक लोकसभा नहीं चलने दी थी। बाद में जब कांग्रेस ने पंडित सुखराम को निकाल दिया, उन्होंने वहां की हिमाचल विकास पार्टी बना ली, तो उसी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठजोड़ कर लिया। मंडी वालों को यह सब भी याद होगा। अब हुआ यह कि विक्रमादित्य आ गए चुनाव लड़ने के लिए पूरी ताकत के साथ कंगना रानावत के सामने, तो जाहिर है कि मुश्किल हो रही है कंगना रानावत के लिए। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि जब वो जा रही हैं इलाकों में तो भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही है। एक बवाल शुरू हो गया, उन्होंने किसानों के ऊपर बहुत घटिया बयान दिए थे। आप जानते हैं कि मोदी जी की परम भक्त हैं वो, आप जानते हैं कि उनका मानना है कि देश 2014 में आज़ाद हुआ था, मोदी जी को ईश्वर जैसा तो वो कह ही चुकी हैं। तो जब किसान आंदोलन चल रहा था तो जैसे सारे परम भक्त किसान आंदोलनों को गाली दे रहे थे, वैसे ही ये भी गाली दे रही थी। और पंजाब में एक वरिष्ठ महिला बैठी हुई थी, उनको इन्होंने बिल्किस बानो कह दिया था। बिल्किस बानो आप जानते हैं कौन है। बिल्किस बानो कहने की वजह से बवाल मचा था, तो वहां पे किसान भी नाराज हैं, उनको पुराने बयान याद दिला रहे हैं कि कंगना जी ये आपने किसानों के लिए कहा था, बताइए आपको कैसे वोट दिया जाए और क्यों वोट दिया जाए। कंगना जी माफी मांग रही हैं, लेकिन माइक के ऊपर उनके डायलॉग लगातार गड़बड़ हो रहे हैं। जैसे ये सुन लीजिए, इनको खुद नहीं पता ये कहां आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। इस तरह की एक बिगड़े हुए शहजादों की एक पार्टी है, चाहे वो राहुल गांधी हो जाए, चाहे जिनको चांद पे आलू उगाने हो, या तेजस्वी सूर्य हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं। सुना आपने, वो कह रही हैं कि तेजस्वी सूर्य मछली उछाल उछाल के खा रहे हैं। अब मछली को उछाल के कैसे खाया जाता है ये तो उनको ही पता होगा, मछली खाने वाला मछली को उछाल के तो नहीं खाता है। तेजस्वी सूर्या मछली खाते हैं कि नहीं खाते हैं हमको नहीं पता, हालांकि साउथ इंडिया में मुझे ये पता है कि नॉनवेज बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, मछली तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। असल में वो कहना चाह रही थी तेजस्वी यादव, लेकिन अब डायलॉग किसी ने लिख के दिया नहीं था, खुद डायलॉग लिखना था, खुद डिलीवरी करनी थी। तेजस्वी सूर्या दिमाग में रह गए तो वो बोल गई तेजस्वी सूर्या, तो तेजस्वी यादव की जगह तेजस्वी सूर्या बोल गई। वीडियो वायरल हुआ, वीडियो वायरल होने के बाद जबरदस्त तमाशा हुआ। अभी ये वीडियो दबा भी नहीं था कि दूसरे वीडियो में वो कुछ और कहती हुई नजर आई, सुन लीजिए। या फिर हमारे यहां भी एक शहजादे हैं,
जिनको अभी भारत में कोई जानता नहीं था, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में जानते थे, लेकिन अब उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं कि ये महिला जो है अपवित्र है। जबकि मैं पद्मश्री अवार्ड से मुझे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला हुआ है। मतलब इनको पद्मश्री सम्मान मिला था, तो पद्मश्री जो है वो देश का सबसे बड़ा सम्मान हो गया। सब जानते हैं कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण इन सब के बाद पद्मश्री का नंबर आता है। सबको पता है कि पद्मश्री जो हमारे यहाँ है हर साल 10-15 लोगों को दिया जाता है, लेकिन चूंकि अब उनको मिला है तो वो कह रही हैं हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है। और यहीं तक नहीं रुकी, चाहे मैं राजस्थान चली जाऊं, चाहे मैं बंगाल चली जाऊं, चाहे मैं दिल्ली चली जाऊं, चाहे मैं मणिपुर चली जाऊं, ऐसा लगता है कि जैसे मानो इतना प्यार इतना सम्मान शायद मैं दावे से कह सकती हूं अगर अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। मतलब अमिताभ बच्चन के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा इज्जत है तो वो कंगना रनौत की है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कंगना रनौत एक जमाने में कामयाब हीरोइन रही हैं। उसके बाद भक्ति दौर में जब वो आती हैं, मोदी जी की जब भक्त होती हैं, उसके बाद उन्होंने कई फिल्में बनाई, वो फिल्में बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन अंदर का जो अहंकार है, जो घमंड है, उसको कौन रोक लेगा? वही घमंड है जो कहलवा रहा है कि मुझे तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड मिला था, मोदी जी की भक्ति करके पद्मश्री मिल गया तो वो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड हो गया। और उसके बाद कह रही है कि अमिताभ बच्चन के बाद, चलो कम से कम अमिताभ बच्चन के बाद कहा, वो ये भी कह सकती थी कि पिछले 70-80 सालों में इस देश में किसी एक फिल्म वाले को सबसे ज्यादा इज्जत मिली है तो वो कंगना रनौत है। उन्होंने नहीं कहा, इसके लिए उनका शुक्रिया कहा जाना चाहिए। लेकिन पागलपन का दौर देखिए, घमंड का, अहंकार का और मूर्खता का, अहंकार और मूर्खता एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जिसको बहुत ज़्यादा घमंड होता है ना, वो अक्सर मूर्ख आदमी होता है। मैं कहीं इशारा नहीं कर रहा हूँ, मैं कंगना रनौत की बात कर रहा हूँ। तो ये जो अहंकार है, जिस अहंकार में वो अपने आप को हिंदी फिल्मों का अमिताभ बच्चन के बाद सबसे बड़ी हीरोइन मानती हैं। एक बीच में बोल गई थी कि शाहरुख खान की भी कई सारी फिल्में फ्लॉप हुई थी। अब कहाँ कंगना रनौत और कहाँ शाहरुख खान, कहाँ ऐसे हीरोज, ऐसी हीरोइंस जिन्होंने 50 शानदार फिल्में दी हैं, जिनकी एक्टिंग का लोहा दुनिया भर में माना जाता है। कहाँ कंगना रनौत जो 3-4 फिल्मों की वंडर हैं, उसके बाद ऐसे गायब हुई पर्दे से कि पूछिए मत। जो फिल्में आई वो ऐसे फ्लॉप हुई कि पूछिए मत। अब इसके बाद आप देखिए मोदी जी की भाषा कैसे ना दोहरा है, मोदी जी की भक्त हैं वो, तो मोदी जी की भाषा उनको बार बार दोहरानी है। तो राहुल गांधी को वो शहजादा कह रही हैं, विक्रमादित्य सिंह को छोटा शहजादा कर रही हैं, तेजस्वी को भी, तेजस्वी यादव जी को भी वो शहजादा कर रही हैं। मेरा सवाल ये है, अगर ये सारे लोग शहजादा हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या हैं? या फिर जयपुर की, जयपुर घराने की जो राजकुमारी साहिबा लड़ रही हैं, वो क्यों नहीं शहजादी हैं? वैसे कंगना भी खुद को शहजादी से कम तो नहीं मानती। और जो फिल्म किया था उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई भी शहजादी थी। शहजादी क्या, वो तो शासिका थी, महारानी थी वो। तो ये जो सबको शहजादा कहा जा रहा है, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि उनको मुस्लिम परस्त साबित करना है, इसलिए राजकुमार नहीं शहजादा कहा जा रहा है। और दूसरा ये दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि हम बड़े हम्बल हैं, हम बड़े शानदार हैं। अरे भाई, ये जिनको आप शहजादा कर रही हैं, ये तो जमीन पे चलते हैं, पैदल घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, सब कुछ करते हैं। आपकी कंडीशन ये है, हीरो हीरोइन जितने हमारे देश के हैं सबकी कंडीशन ये है कि ये किसी से मिल नहीं सकते, नॉर्मल रह नहीं सकते, नॉर्मल बोल नहीं सकते, नॉर्मल गाड़ियों में नहीं चल सकते, नॉर्मल बातें नहीं सकते, नॉर्मल कपड़े भी नहीं पहन सकते। वैसे कपड़ों को लेके, बीफ को लेके विवाद यहां पहले ही हो चुका है। विक्रमादित्य ने कहा था कि ये बीफ खाती हैं, अब कंगना रनौत ने कहा कि ये झूठ है। उसके बाद उनके वीडियोस आ गए, जब वीडियोस आ गए तो बैकफुट पे जाना पड़ा, तो बीफ का मामला पीछे गया। तो अब शहजादा शहजादी चल रहा है, पप्पू चल रहा है। मतलब जिस महिला की पढ़ाई लिखाई के बारे में उसने खुद कहा हो कि जब पिताजी ने पढ़ने के लिए कहा तो मैंने मना कर दिया, और जब पिताजी ने थप्पड़ उठाया तो मैंने भी थप्पड़ उठा लिया उनके ऊपर, जो इतनी पढ़ी लिखी हो, जो 4 सेंटेंस बोलने में 24 गलतियां करती हो, जो ये कह रही हो कि पद्मश्री इस देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, वो अब राहुल गांधी पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करेगी। मतलब हमारे यहां एक कहावत कही जाती है, सूप हंसे तो हंसे, चलनियों हंसे, जिसमें 72 छेद। अब कंगना रनौत राहुल गांधी की पढ़ाई लिखाई की बात करेंगी, अब कंगना रनौत इतिहास पढ़ाएंगी। इतिहास को लेके, कांग्रेस को लेके उनका वीडियो आया, कह रही है कांग्रेस दीमक है, 70 साल से देश को खा रही है।
अंग्रेज छोड़ के गए थे कांग्रेस को, अंग्रेज तो आरएसएस को भी छोड़ के गए थे, अंग्रेज तो हिंदू महासभा को भी छोड़ के गए थे। हिंदू महासभा तो अंग्रेजों के साथ 1942 में जब पूरा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तब अंग्रेजों के साथ थी हिंदू महासभा। सावरकर साहब जिनके जेल का दर्शन करने के लिए गई थी, बड़ा खूबसूरत सा फोटो आया था, वो तो अंग्रेजों के साथ ही थे। ये अलग बात है कि अंग्रेजों को समझ में आ गया कि इनके पीछे कोई नहीं है, इनके पीछे जनता कहीं नहीं है। जब 1946 का चुनाव हुआ और उसमें सावरकर साहब की पार्टी बुरी बुरी बहुत बुरी तरह से हार गई तो उसके बाद अंग्रेजों ने सावरकर साहब को किनारे कर दिया, ये तो एक अलग बात है। अब इतना इतिहास पढ़ने की मैं उम्मीद भी नहीं करता, लेकिन दीमक की तरह कांग्रेस खा रही थी। आप जो हीरोइन बनी वो कांग्रेस के टाइम में बनी, आपकी पढ़ाई लिखाई बड़े अच्छे से हो गई होती कांग्रेस के टाइम में, अगर आप पढ़ना चाहती नहीं पढ़ी ये आपकी समस्या है, लेकिन पैदा होके जहां बड़ी हुई, जहां सारी सुविधाएं आपको मिली, फिल्म एक्ट्रेस बन गई आप, कोई कुछ बन गया कोई कुछ बन गया, वो दीमक की तरह खाना था। ना अर्थशास्त्र पता है, ना हिस्ट्री पता है, ना वर्तमान पता है, ना राजनीति पता है, बस मोदी जी की भक्ति किए जाना है और मोदी जी की भक्ति में कुछ भी ऊल जलूल बके जाना है। किसान खड़े हों तो किसानों को गाली दीजिए, स्टूडेंट्स खड़े हों स्टूडेंट्स को गाली दीजिए, राहुल गांधी को गाली दीजिए, तेजस्वी यादव को गाली दीजिए और चुनाव लड़ लीजिए। आप बंबई में रहेंगे, जनता से कहीं कोई टच नहीं होगा, कभी किसी पॉलिटिकल आंदोलन में कोई भागीदारी नहीं होगी। पूछा था विक्रमादित्य सिंह ने कि जब इतनी भारी बाढ़ आई थी, इतनी तबाही हुई थी हिमाचल में, सारे लोग इतना परेशान थे, सारे जो वहां के नेता थे, जो वहां की लीडरशिप थी, सुखिंदर सिंह सुक्खू ने अपने जिंदगी भर की कमाई दान कर दी थी, ये सब लोग जब हिमाचल की मदद के लिए लगे हुए थे तो अपने आप को हिमाचल की बेटी कहने वाली कंगना रनावत जी कहां थी? बंबई में शूटिंग कर रही थी, अपनी फिल्म का प्रचार कर रही थी। जिस समय मुसीबत थी हिमाचल के समय, उस समय आप गायब थी और अब आके कहेंगे कांग्रेस दीमक थी। दीमक कौन है ये तो भविष्य तय कर देगा। दीमक शायद वो लोग हैं जिन्होंने सारी सफलता पाने के बाद भक्ति में डूबकर इस देश को लगातार गालियां दी हैं, पिछले 70 साल के विकास को गालियां दी हैं, और उनके खुद के पढ़े लिखे होने की हालत ये है कि कोई ऐसा वीडियो उनका नहीं आता है जिसमें फैक्ट की गलतियां ना हो, कोई ऐसा वीडियो नहीं आता है जिसमें अपनी पार्टी जो उनकी भारतीय जनता पार्टी है उसके 10 साल के कामकाज की बात कर सकें, कोई ऐसी बात नहीं आती है जिसको सुन के लगे कि उनके मन में वाकई राजनीति करने या हिमाचल या देश के विकास की कोई तमन्ना है। खैर, अगर कंगना रनावत की भाषा में यह सारा कुछ नहीं आता है, अगर कंगना रनावत यह सारा कुछ भाषण नहीं देती हैं, तो इसके लिए कंगना रनावत को दोषी क्यों कहा जाए? हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े नेता लोग हैं, मोदी जी को ही देख लीजिए, कभी उनके मुंह से आपने महंगाई सुना? कभी उनके मुंह से आपने रोजगार सुना? रोज शहजादे कभी बात हो रही है, कभी मुसलमानों पर बात हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन मजाल है कि वो कहीं से महंगाई का नाम ले ले। राजनाथ सिंह इतने बड़े इतने सीनियर नेता हुआ करते हैं, वो कांग्रेस से कह रहे हैं कि कांग्रेस हिंदू मुसलमान की राजनीति ना करे। अरे इस देश में जो आपके भक्त हैं वो भी जानते हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति कौन करता है, और कश्मीर पे कह रहे हैं कि कश्मीर में इतनी शांति हो गई है कि अब हम जल्दी ही पीओके के लिए मांग करने वाले हैं। अरे किससे मांग करने वाले हैं? यूनाइटेड नेशन से मांग करने वाले हैं, पाकिस्तान से मांग करने वाले हैं, चीन से मांग करने वाले हैं, किससे मांग करने वाले हैं? सरकार आपकी है, 10 साल से कर लिया होता पीओके पर कब्जा, किसी ने रोका था, ये अलग बात है कि इधर आप कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में शांति हो गई है, पीओके की हम मांग करेंगे, उधर पुंछ में हमारे सैनिकों पर हमला हो जाता है और हमारे सैनिक मारे जाते हैं। ये बताता है कि आपकी सरकार कितनी कमजोर है। और आखिरी बात, कंगना रनावत दुनिया के सारे मुद्दों पर बोलती हैं, जिस बारे में कुछ नहीं पता है उस इतिहास पर बोलती हैं, हर आदमी पर हमला करती हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के साथी प्रज्वला रेवन्ना ने सैकड़ों हजारों महिलाओं के साथ जो कुछ किया है, जिस तरह की सीडीज आई हैं जिनके आने के बाद वो जर्मनी भाग गया है, उस पर बोलने की हिम्मत न तो कंगना रनावत की होती है, न स्मृति ईरानी की होती है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की होती है। मंडी में क्या होगा, कौन चुनाव जीतेगा, ये तो वहां की महान जनता तय करेगी। हर जगह जनता ही तय करेगी, जनता जो तय करेगी वही जनादेश होगा। लेकिन एक सवाल मेरा आप सब लोगों से है कि केवल भक्ति के चलते, केवल पागलपन के चलते, क्या ऐसे लोगों को आप अपने सर पर
बिठाना चाहेंगे जो ना आपके इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं, ना आपके समाज के बारे में जानते हैं, जिन्होंने ना कभी समाज सेवा की है ना राजनीति की है, सिर्फ ग्लैमर के दम पे और भक्ति के नाम पर लोकसभा तक पहुंचना चाहते हैं। मेरे इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। यही जवाब वो है जो तय करेगा कि हम लोकतंत्र रहेंगे या फिर कुछ और बन जाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।